तो वही आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की सप्लाई शुरू कर दी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कड़ी सुरक्षा के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो चुकी है। यहां से 3 ट्रकों में वैक्सीन भरकर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट से वैक्सीन की खुराक देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेगी। पुणे एयरपोर्ट से वैक्सीन का एयर ट्रांसपोर्ट संभालने वाली कंपनी एसबी लॉजिस्टिक के एमडी संदीप भोसले ने बताया कि कुल 8 फ्लाइट्स कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 13 स्थानों पर लेकर जाएगी। पहली खेप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में पहली खेप लेने के लिए कम से कम 5 से 6 ट्रक पहुंचे थे, उनमें से 3 ट्रक कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप लेकर रवाना हो चुके हैं। यहां से ये कोविशील्ड से भरे हुए कंटेनर सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से देश के 13 अलग अलग स्थानों में इन वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कोविशील्ड नामक ये वैक्सीन दिल्ली पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो चुकी है। देश के 13 अलग अलग हिस्सों में इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में उतरेगी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देश की नजरें जिस महत्वपूर्ण खबर पर टिकी थी वो खबर अब पूरी होने जा रही है, साकार होने जा रही है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश की पहली वैक्सीन की खेप पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है आशुतोष इस खबर पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वैक्सीनेशन एक राहत भरी खबर लेकर आई थी, वहीं अब जिस तरीके से इसके लिए पूरी तैयारियां की गई और उसके बाद ऐलान किया गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो उसकी शुरुआत आज हो गई और वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आज रवाना हो गए हैं, जो दिल्ली आएंगे और दिल्ली से फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उसकी सप्लाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात बता दें, वैक्सीनेशन को हर जगह तक पहुंचाना, देश के अलग अलग दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना एक अहम चुनौती है और एक सुरक्षा भी चुनौती है, तो इसीलिए इसको सुरक्षा के बीच इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष तरीके के ट्रकों का जो तापमान जो जरूरी है उसके लिए 3 डिग्री उसको मेंटेन करते हुए स्पेशल तरह के वो कंटेनर तैयार किए गए हैं जिसमें जीपीएस भी लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का इसमें सुरक्षा का भी चूक ना हो, इसीलिए तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। जी उमंग बिल्कुल। आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि वैक्सीन की कीमतों को लेकर भी काफी बवाल मचा था, कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी फिलहाल तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि शुरुआत में जो भी टीका लग रहा है वो उसकी कीमत सरकार के तौर पर के द्वारा ही वहन किया जाएगा। आगे जो बात है, फिलहाल जो डोज दी गई है वो 1,11,00,000 डोजों को जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है और उसी के तहत एक खेप जारी किया गया है। तो अभी कीमतों की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी को इसके लिए पे नहीं करना है, अभी जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है वो फ्री ही हो रही है, तो ये आगे अब जो एक संख्या अभी फिलहाल में तो 1 करोड़ कुछ लोगों को ही जो ऑर्डर है उसके बाद की स्थिति क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, हालांकि कहीं कहीं पर ये बात भी निकल कर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन बनकर तैयार हुई है कोविशील्ड, 200 रुपये उसकी कीमत रखी गई और GST के 10 रुपये मिला के करीब 210 रुपये में वो वैक्सीन आम लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी, कितनी सच्चाई है इस बात में? वो अलग अलग चर्चाएं हैं। देखिए अभी जो गवर्नमेंट जो भी है अलग अलग स्तर पे सभी सरकारें, जो केंद्र सरकार तो कह ही रही है कि फ्री मुहैया कराया जाएगा, कुछ रोज पहले स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने भी ये बात कहा था कि देश के सभी हिस्सों में इस कोविड वैक्सीन को मुफ्त किया जाएगा। इसके अलावा कई सरकारों ने भी ऐलान कर दिया है कि फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी घोषणा किया है, बिहार ने किया है, अन्य कई सरकारों ने इस तरह की घोषणाएं की हैं। तो फिलहाल जो कीमतों की बात चल रही है
उस पे जाना अभी जल्दबाजी होगी। अभी जो शुरुआत कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यही शुरुआत करी है जो कोरोना वॉरियर है उनको मुफ्त में लगाया जाएगा। तो इसको यही मान के चले कि जो गवर्नमेंट है वो इसको फ्री में ही लगाएगी। जी जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जो अगर हम बात करें इसकी कि गवर्नमेंट इस वैक्सीन को फ्री में लगाएगी, तो कई राज्यों ने तो ये कहा ही है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम देश माफ कीजिएगा राज्य के हर एक व्यक्ति को हम ये वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार शुरुआती दौर में 3 करोड़ लोगों को ये फ्री लगाई जाएगी, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं उनको। उसके बाद में इस प्रकार की कोई बात कही नहीं गई है केंद्र सरकार की तरफ से? नहीं, इसमें अब चूंकि एक बड़े संख्या के जनमानस को पूरे टीकाकरण को लगाना है, तो इसको लेकर के काफी पैसा खर्च होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी शुरुआत में किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि जो मेडिकल क्षेत्र के जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका एक कहना है कि अगर ये वैक्सीनेशन है, अगर एक संख्या को हो जाता है, एक संख्या में अगर इसको दे दिया जाएगा तो लोगों में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से सबको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कई बातें ऐसे हैं इसके पीछे, लेकिन जो वैक्सीनेशन की कीमत की बात है और जो लगाने की है, वो अभी तक के जो सरकारी दावे हैं, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, उस हिसाब से अभी फ्री में ही इसको लगाया जाएगा। हालांकि जिस एक बड़ी जनसंख्या, बड़े जनसमूह को इसको लगाना है, तो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट स्तर पे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट जो अस्पताल है वहां इस तरीके की व्यवस्था हो, ये अंदाज लगा सकते हैं, संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल में जो शुरुआत होने जा रही है उसके लिए वो तो फ्री में ही होने जा रही है, तो अभी कीमतों पे कुछ कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, सही कहा। लेकिन हालांकि इन सब बातों के बाद भी अगर हम इन बातों को नजरअंदाज भी करें, अगर तो देश के लिए सबसे बड़ी आज की और सबसे अच्छी खबर ये है कि कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप रवाना हो चुकी है। 16 जनवरी से पूरे देश में कोविड की वैक्सीन का टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।